हेलो गाइस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज संडे, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। दुनिया में दोस्तों, खुदावन का कलाम जो हमें कहता है कि यीशु बिना इस दुनिया में हम जिंदगी जीना नामुमकिन है, उसकी दया के बिना जिंदगी जीना नामुमकिन है। दोस्तों, दुनिया के लोगों के बारे में जब जब मैं सोचता हूँ तो दोस्तों, दुनिया इतनी जो है कि उसको सही रास्ता नहीं मिल रहा है। दोस्तों, दिखावा कुछ और करते हैं, जीते कुछ और है ये लोगों को जीवन में। दोस्तों, जो हमें जीना है, अच्छा से जीना है, प्यार से जीना है, मोहब्बत से जीना है, ईमान से जीना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के जीना है। दोस्तों, दुनिया में ना हम कुछ लाए हैं ना कुछ ले जाना वाले, सबको मालूम है। किसी को भी बोलोगे तो बोलेंगे सबका मालिक है, लेकिन वो सबका मालिक एक है, लेकिन वो सबका मालिक एक है तो एक को नहीं मानते हैं, लेकिन वो न जाने कितने 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 को मानते हैं। जो एक कहवत है कि एक बंदा जब पहाड़ के ऊपर घूमने को गया और वो जब घूमते 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 जब वापस लौट रहा था तो वो पहाड़ से गिर गया बंदा, और उसने पुकारा सबको अलग अलग सब नाम लेकर के, जो जिसको मानता था उसको उसने वो सारे नाम लेकर के उसने पुकारा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कोई उसको बचाने नहीं आया। दोस्तों, कोई बचाने नहीं आया। दोस्तों, दुनिया में अगर हमारी मम्मी है, हमारा डैडी है, तो अगर हम मम्मी को पुकारेंगे तो मम्मी हमारी आवाज़ सुन करके वो दौड़ी चले आएगी हमें बचाने। अगर हमारा डैडी है तो डैडी का नाम लेकर के हम पुकारेंगे तो हमारा डैडी तुरंत हमारी आवाज़ को सुन करके वो बचाने को दौड़ा चलाएगा। अरे मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, अरे मेरी बेटी मुझे पुकार रही है, कोई संकट में है, कोई मुश्किली में है, ऐसे करके वो जल्दी दौड़ा 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 चला आएगा और हमें उठा करके अपनी गोद में उठा करके हमें मरहम पट्टी करेगा और हमारी इंसान को बचा लेगा। क्योंकि हमारा जो खुदा है, हमारा माँ है, हमारा पापा है, हमारा डैडी है, वो हमें बचाने को दौड़ा चलाएगा और हमें बचा लेगा। तो दोस्तों, दुनिया में अगर हम अलग 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 किसी को नाम लेकर के पुकारेंगे तो हमें कोई बचाने को नहीं आएगा। हमारे एक ही मालिक है, हमारे एक ही प्रभु है, हमारे एक ही परमेश्वर है, हमारा एक ही गढ़ है, हमारे एक ही किला है। दुनिया में जैसे खुदा का कलम कहता है कि दुनिया में सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। खुदा की कलाम है, खुदा का वचन है, वो कभी नहीं टलने का। तो दोस्तों, ब्लॉग बहुत सारा जो लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ी बातों में बहुत कुछ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों, दुनिया में ऐसे खुदा की इबादत करो, ऐसे खुदा की बंदगी करो, ऐसे खुदा की आराधना करो, ऐसे प्रभु परमेश्वर की महिमा करो, ऐसे प्रभु की प्रशंसा करो, उसकी जयकार करो, जो हर्षनाथ
पुकार करो, ऊंची आवाज में उसके गुणगान गाओ, जो बुलंदियों पर है, बुलंदियों पर नाम है, इस आकाश और पृथ्वी पर एक ही नाम है जिसका नाम यीशु मसीहा, जो हमारा खुदा है, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा परमेश्वर है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो दया सागर खुदावन है, उसकी हमें इबादत करनी है, उसकी हमें बंदगी करना है। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। इसलिए हमने ये गाना जो बनाया है, हे खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, यीशु तू कांदे अवलासर, यीशु तू कांदे अवलासर, दुनिया ना लोक तुला तुला येवला निवाटेरी रना, दुनिया ना लोक वाटेरी रना, यीशु तू कांदे अवला, दुनिया ना लोक वाटेरी रना, दुनिया तो पाप मा, दुनिया तो पाप मा खुद बदिरनी, स्वार्थी मा सिवा जीरना, मन तो ना करीनी लोको अड़े मजी वीरना, यीशु तो कह दी उलाया, दुनिया ना लोक तुनी वटेरी रहना, थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। वाह, घना बता गीतों से बहुत सारे गीत है कि खुदावन यीशु तू कब आने वाला है, दुनिया के लोग तेरे इंतजार में है खुदावन, तुझसे मिलने के लिए, उद्धार पाने के लिए दुनिया के लोग इंतजार कर रहे हैं खुदावन कि तू कब आएगा दुनिया में। बहुत इतनी सारी चीज़ें बढ़ गई है कि दोस्तों, जो काम में है वो भी, जो नहीं काम में वो भी, अरे अरे घर में तो सारा वो जितनी दुकान में चीज़ें नहीं मिलती, इतने सारे घर में चीजें लोगों ने भर दी है। दुनिया के लोग ऐसे हैं जो कि मुझे, हम किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं, इस तरह लोगों ने सारा कुछ, मतलब जो चीज चाहिए वो भी, नहीं चाहिए वो भी, सारे लोगों ने इससे बड़े बड़े मतलब मशीनरी चीज़ खरीद ली है कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, हमें किसी के पास कुछ मांगने की जरूरत नहीं। लोगों के विचार इतने बदल गए दोस्तों, दुनिया में एक दूसरे को काम आने चाहिए। अगर हमारे पास वो सारी दुनिया के दौलत होगी, सारी हमारे पास अरबों खरबों रुपया करोड़पति होंगे, हम देश नंबर वन धनी इंसान होगा, फिर भी हमें दोस्तों एक दूसरे के साथ हमें है जो अगर हमारे पास होगी तो भी हमें संबंध बनाए रखने के लिए हमें जो है एक दूसरे के पास चीज का लेन देन करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, यहोवा यीशु की आत्मा दे आप सभी को आशीष दे, आमेन।